बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने कर्मवाद की चर्चा चल रही है। कर्मवाद यानी कर्म सिद्धांत, उसके बारे में कुछ बातें हो रही हैं। कल जो हमारी चर्चा थी वह मोह कर्म को लेकर थी। मैं आपको कहना चाहूँगा, ये चर्चाएं एक एक कर्म की चर्चा इतने विशाल और विस्तृत हैं कि हम लंबे समय तक इनके ऊपर चिंतन और विचार कर सकते हैं। अब जो हमारी चर्चा है ये केवल एक परिचयात्मक है कि इस कर्म का क्या मतलब है और इसके क्या कार्य हैं, इस कर्म के उद्देश्य क्या होता है। ये बड़ी सहज आसान छोटी चर्चाएं चल रही हैं। आज हम आयुष कर्म की कुछ बात करेंगे। पांचवा जो कर्म है इसका नाम आयुष कर्म है। क्या नाम लिया? इसको हम उम्र भी कहते, आयु भी कहते हैं। ये आयुष कर्म क्या है और क्या कार्य करता है, आज हमने इसे जानना। आयुष कर्म की पहली बात ये है कि जो आठ कर्म हैं उनमें से आयुष कर्म को छोड़ करके शेष जो सात कर्म हैं उनका बंध निरंतर चलता रहता है। सात कर्मों का बंध हमेशा चलता है, भोग भी चलता है और बंध भी चलता है। लेकिन आयुष कर्म का बंध एक बार होता, बार बार नहीं होता। जीवन में एक बार आयुष कर्म बंधता है और वह भी अगले आगे के जन्म के लिए बंधता है। इस जन्म में जो हमारी आयु है, जो आयुष कर्म है, ये हमारा पूर्व जन्म का
पिछले जन्म का वहाँ का बांधा हुआ है और अब उसका उदय काल चल रहा है, अब उदय में है। यह आयुष कर्म का क्या और मामला है भाइयों, कुछ और भी समझो आयुष कर्म के बाद। आत्मा और शरीर ये दो निश्चय दृष्टि से अलग अलग चीज है। शायद आप कहेंगे अलग कहां थे, साथ ही तो है। मैंने एक शब्द लगा दिया निश्चय दृष्टि से, ये दोनों अलग अलग। आत्मा चेतन है, आत्मा आत्मा है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अनादि और अनंत है, आत्मा का न जन्म होता है और न उसकी मृत्यु होती है। ये जितनी बातें मैंने कही आपको, ये आत्म तत्व के बारे में, शरीर के बात समझते हैं। शरीर जड़ है, शरीर चेतन नहीं है, शरीर जड़ है। इसका जन्म होता है, मृत्यु भी इसी की होती है। यह है अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं है, ये विनाशी है, नष्ट होने वाला है, ऐसा ये शरीर है। पर बात अभी समझ में पूरी तरह से आई नहीं होगी, तो ये अलग अलग हैं, इकट्ठे कैसे क्या, उसे भी समझते। पहले हमने इन दोनों को अलग अलग समझा, आत्मा के बारे में जाना और शरीर के बारे में जाना। हमारा जो वर्तमान जीवन है, जो हम जी रहे हैं, जीने लग रहे हैं, यह है आत्मा और शरीर का संयोग है, मेल है। इस जीवन ये दोनों इकट्ठे हैं, अलग अलग नहीं है। बात अलग अलग है, गुण अलग अलग हैं, विशेषताएं अलग अलग हैं, लेकिन जो वर्तमान जन्म है ये हमारा आत्मा और शरीर इन दोनों का संयोग है, इन दोनों का मेल है। ये संयोग कराने वाला, ये मेल कराने वाला, यह जो शक्ति है वह आयुष कर्म है। आयुष कर्म ने इन दोनों को इकट्ठा किया है, इनको जोड़ा है। आयुष कर्म ने इन दोनों का आपस में मिलाया हुआ है, उससे ये इकट्ठे हैं। और जिस पल ये दोनों अलग हो जाएं, उस समय बंधुओं ये वर्तमान जीवन जो जी रहे हैं, इस पर विराम लग जाता है, ये खत्म हो जाता है। फिर तो और बात होगी, जहां होगी जैसे होगी वो अलग बात है, लेकिन ये जीवन जहां शरीर और आत्मा ये दोनों अलग हुए, जीवन खत्म हुआ। जब तक जुड़े हैं तब तक ये जीवन है, और इनको जोड़ कर रखने वाला आयुष कर्म है।
अब आप समझ गए भाई, ये जो अलग अलग एक जड़ है, एक चेतन है, एक अविनाशी है, एक विनाशी है, अलग अलग जिनके गुण हैं, ये अलग अलग गुण वाले जो जुड़े हुए हैं, ये आयुष कर्म के कारण से हैं। आयुष कर्म एक बंधन है। क्या कहा भाई, ये बंधन है। इसको आप रस्से की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि समझने के लिए है, पशु को खूंटे से बांध दिया, अब वो रहना तो नहीं चाहता वहां पशु, वो कोशिश करता है मैं चला जाऊं यहां से, कहीं और चला जाऊं, लेकिन एक रस्से बंधी है जो पशु के गले में है और उसका दूसरा सिरा खूंटे से बंधा है, वो बहुत कोशिश करता है पशु इस बात के लिए कि अलग हो जाए, चला जाए, लेकिन जब तक वो रस्से बंधे वो जा नहीं सकता। मालिक जब उस रस्से को खोल देता है फिर पशु स्वतंत्र है, फिर तो जहाँ उसने जाना है वो चला जाता है, या जहाँ मालिक ले जाना चाहता वहाँ ले जाता है, जब तक वो बंधा है वो कहीं नहीं जा सकता। उस पशु की जगह आप आत्मा को समझो, उस खूंटे की जगह आप शरीर को समझो, और इनको बांध कर रखने वाली जो शक्ति है उसका नाम अब आप बताओ आयुष कर्म। ये उस रस्सी की तरह से उसको बांध के रख, जा नहीं सकता पशु कहीं, कितने गांव की भाषा में तुड़ाई कर ले, कुछ कर ले, जा नहीं सकता, बंधा हुआ। ऐसे ही जीव बंधा हुआ जा नहीं सकता यहां से, जब तक रस्सी रहेगी तब तक नहीं जा सकता, वो खुल जाए फिर जा सकता। ये कब खुलती है कैसे, इसके नंबर से बात करेंगे, अभी तो बंधन की बात कर रहे हैं। आयुष कर्म एक बंधन है, जैसे खूंटे को और पशु को बांधने वाला बंधन रस्सी है। पहले जमाने में जो कैदियों को बांध कर रखा जाता था, तो आजकल तो हथकड़ी हाथ में डाली जाती है, बेड़ी पाँव में डाली जाती है, ताला लगा देते कि जा नहीं सकता, बंध गया वह है, उससे बंधा हुआ है कैदी कहीं नहीं जा सकता। पहले बंधन कुछ और तरह के होते थे, एक होता था बंधन, उसको खोड़ा कहा करते, पुराना नाम है, जो नाम है वही मैं बता रहा हूँ। खोड़ा क्या होता था, एक बड़ा लक्कड़ होता था, भारी सा बड़ा लक्कड़, उसमें छेद करवाया जाता था, थोड़ा संकड़ा होता था छेद, कारीगर से करवाया जाता था, पुलिस के काम है ये, और जिसको बांध के रखना होता उस आदमी का पांव किसी तरह उसमें फंसा देते उस लकड़ के छेद में, और फिर दूसरी तरफ से एक किला ठोक देते, ऐसा तो नहीं ठोकते पांव कट जाए, पर ऐसा ठोक देते कि भी पांव फंस जाए, बस फिर वो हिले नहीं वहां से, बस फिर वो बेचारा उस पांव को पकड़े बैठा ही रहता, वहां हिल ही नहीं सकता, जा नहीं सकता, ऐसा फंसा दिया उसमें खोड़े में। ये पहले की सजाएं हैं, ऐसा होता था, कल्पना नहीं है, यही था मामला, पांव फंसा दिया, अब पांव पकड़े बैठा हुआ और कुछ नहीं, देख रहा इधर उधर यहाँ तहाँ, बस पांव पकड़े बैठा बैठा रहेगा वो, तो जब कर्मचारी आएंगे वो किला निकालेंगे, पांव निकलेगा उसका, तब उसको जहाँ ले जाना दूसरे जगह ले जाएंगे, क्या करेंगे उनकी बात है, या स्वतंत्र करेंगे जो करेंगे, जब तक उसका पांव फंसा हुआ है और केला ठुका हुआ है वो नहीं जा सकता। ये उदाहरण भी जीव
और शरीर के लिए ही दिया है। यह जीव उस कैदी के समान है और वो जो लक्कड़ है जिसको खोड़ा कहते हैं, जिससे पांव फंसाया हुआ है, वह अजीब ये शरीर है भाई, ये इस तरह से उसमें उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, जा नहीं सकता कहीं भी। कब तक नहीं जा सकता? जितना आयुष कर्म, ये एक नई बात शुरू होगी, जितना ये उन किसी की मर्जी पर है, क्या है बंध वो, जितने से अर्थ है जितनी जितना आयुष कर्म है, आयु कहो आयुष कर्म कहो उम्र कहो, जितने वो हैं वो उतने समय रहना पड़ेगा। जहाँ वह पूरी हुई तो वहाँ तो ये बरसी खोल दी गई, यहाँ ये कहते हैं कि वो जीव मुक्त हो गया, रस्सी टूट गई, पाँव से वो निकल गया, पाँव इस तरह हो गया, यूँ जीव मुक्त होता है और यहाँ से निकलता है। जीव निकला और कहाँ गया, ये भी आगे की बात है, कहाँ जाएगा क्या होगा, अभी इतना ही समझ लो, खोड़े में से पाँव निकल गया, रस्सी खुल गई, जीव आत्मा अब स्वतंत्र है। यह आयुष कर्म जीव को ऐसे बांधे रखता है, ये कहीं भी जा नहीं सकता है। ये पांव फंसाया किसने, रस्से बांधे किसने, रस्से के तो समझ में आ गई, खोड़ा भी समझ में आ गया कि उसने पांव फंस गया और रस्से बांध दी, ये बांधे किसने, बांधने वाला कौन है, ये है